सीधे आपको बताते हैं क्या है वो बड़ी खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने का मसला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इंडी गठबंधन ने पंजाब हरियाणा एचसी में दायर की है याचिका, एक नया चुनाव अधिकारी नियुक्त करने की अपील है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने का मसला हाईकोर्ट पहुंचा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, इस मसले को हाईकोर्ट तक लेकर गई है गठबंधन की पार्टियां। तो आपको बता दें, एक नया चुनाव अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव आज होना था लेकिन उसे टाल दिया गया है, जिसके पीछे की वजह बताया जा रहा था कि चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब है। और ऐसे में अब ये जो मामला है, ये जो मसला है, ये हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इंडी गठबंधन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और एक नया चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग की है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने का मसला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, अब चुनाव जिस तरह से टाल दिया गया है, तबियत खराब होने का कारण जो है इसके पीछे बताया गया है। अब इसको लेकर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, इसको लेकर बीजेपी पर भी वो निशाना साधते नजर आए। तो दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर दी है और ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब है तो दूसरा नियुक्त किया जाना चाहिए। चुनाव टालने के पीछे ये जो वजह बताई जा रही है, ये सही वजह नहीं है। कहीं ना कहीं गठबंधन के जो नेता है वो ये सब बातें कह रहे हैं और इस बीच जो हंगामा है वो भी जारी है। तस्वीरें भी हम आपको हंगामे के दौरान की दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव टाले जाने पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। तो चुनाव टालने का मसला अब हाईकोर्ट पहुंचा है। इंडी गठबंधन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर कर दी है। ये